हेलो बच्चों, बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन की। चैप्टर है इकोसिस्टम, चैप्टर 14th, नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम जो है वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नीचे देख सकते हैं, फॉरेस्ट, लेक्स, पॉन्ड, वेटलैंड, रिवर, ये सब है एक्वेटिक इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम। और क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मैनमेड, है ना। तो मैनमेड इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, ये नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ सॉइल माइक्रोब्स, ये भी गलत है, क्योंकि सॉइल माइक्रोब्स तो हर जगह होंगे, चाहे वो मैन मेड हो या क्रॉप। अगर आप ग्रो करा रहे हो सॉइल में कराओगे ना। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बहुत कम होगी क्रॉप फील्ड में, क्योंकि जो भी क्रॉप फील्ड है वो किसी एक स्पेसिफिक क्रॉप की, आप उसमें वीट उगा रहे हो, राइस उगा रहे हो, मेज, कुछ भी एक स्पेसिफिक क्रॉप उगा रहे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी तो आपको नहीं मिलेगी, तो इसीलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम होगी। एंड एब्सेंस ऑफ वीट भी गलत ही है, क्योंकि वीट भी मिल सकते हैं वहां पर, सक्सेशन भी हो सकता है, माइक्रोब्स भी मिल सकते हैं, एब्सेंस ऑफ वीट भी। बट यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है।